नमस्कार, मैं हूं भावना और आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल राज्य से जुड़ी खबरें। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के बाद निर्वाचित विरोधी दलों के पंचायत सदस्य अपनी सुरक्षा की मांग पर कोलकाता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं। बुधवार को फिर कोलकाता हाईकोर्ट में अपनी सुरक्षा की मांग पर नदिया जिले के 70 विरोधी दल के ग्राम पंचायत के सदस्यों ने कोर्ट में शरण ली। बताया जाता है कि नदिया जिले के रानाघाट के 37 और शांतिपुर के 24, साथ ही पातिल घरिया पंचायत के 9 विरोधी दल के नवनिर्वाचित पंचायत सदस्य अपनी सुरक्षा की मांग पर कोलकाता हाईकोर्ट में आवेदन किया है। कोलकाता हाईकोर्ट के जज जयसेन गुप्ता ने नदिया जिले की पुलिस को निर्देश दिया कि पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच गुरुवार को पंचायत बोर्ड गठन की प्रक्रिया में इन्हें शामिल कराया जाए। आखिरकार पश्चिम बंगाल में बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व कर्मियों के भारी विरोध के सामने सरेंडर होते दिखे और जिला अध्यक्ष नियुक्ति के 4 दिनों के भीतर ही नवनियुक्त जिला अध्यक्ष को हटाकर नए जिला अध्यक्ष की नाम की घोषणा की। दरअसल कुंतल चौधरी को जिला अध्यक्ष बनाया गया था, जिसे बदलने की मांग पर बीजेपी कर्मियों ने कोलकाता के सॉल्ट लेक स्थित बीजेपी कार्यालय में जोरदार प्रदर्शन किया था। इसके बाद ही कुंतल चौधरी को बदलकर जाधवपुर सांगठनिक जिला अध्यक्ष बनाए गए मनोरंजन जोद्दार। पश्चिम बंगाल में सीपीएम के राज्य सचिव मोहम्मद सलीम के उस ट्वीट पर तृणमूल कांग्रेस ने आपत्ति जताई है एवं माफी मांगने की मांग की है, जिस ट्वीट पर यौन कर्मियों को असम्मानित होना पड़ा है। इस मामले को लेकर तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सांसद अभिषेक बैनर्जी के वकील संजय बसु ने नोटिस जारी किया। वहीं यौन कर्मियों के एक दल ने मोहम्मद सलीम के घर घेराव कर प्रदर्शन किया। फिर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निशाने पर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने राज्यपाल सीवी आनंद बोस को बीजेपी का होकर चुनाव लड़ने का परामर्श दिया है। पिछले कई दिनों से राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच विश्वविद्यालयों में वाइस चांसलर्स की नियुक्ति को लेकर विवाद चल रहा है। शिक्षक नियुक्ति घोटाले में सीबीआई और ईडी की रडार पर अब स्कूल के शिक्षक भी आने लगे हैं। अब तक 4 शिक्षकों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। कोलकाता के निजाम पैलेस स्थित सीबीआई ऑफिस में अब कूच बिहार जिले के 23 शिक्षकों को बुलाया गया है। इसके पहले पूर्व मेदिनीपुर, मुर्शिदाबाद और बांकुड़ा जिले के शिक्षकों से सीबीआई पूछताछ कर चुकी है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई इनकी मार्कशीट और एडमिट कार्ड पर विशेष नजर रख रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए पब्लिक टाइम्स, योर वॉइस, आवर मिशन। नमस्कार। शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी खबर कभी भी कहीं भी देखने के लिए हमारे पब्लिक टाइम्स न्यूज चैनल को YouTube पर करें सब्सक्राइब।